नमस्कार, बहस के सबसे बड़े शो हल्ला बोल में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। आज बात होगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, जो 3 जनवरी को उत्तर प्रदेश में दाखिल होने वाली है। अब उससे पहले कांग्रेस की तरफ से एक नई स्ट्रेटजी अपनाई गई। विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता भेजा गया। कांग्रेस का यह कहना है कि यह यात्रा देश को जोड़ने वाली है। इस यात्रा में वो बांटने की राजनीति की जगह महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठा रहे हैं। अगर विपक्षी दल इन मुद्दों को साथ में उठाने में दिलचस्पी रखते हैं तो फिर इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं ने ऐसा लग रहा है कि इससे कंधी काटी है। किसी ने पहले से तय कार्यक्रम का बहाना बना दिया तो किसी ने कहा कि उन्हें तो न्योता मिला ही नहीं है। आखिर विपक्ष की एक ऐसी मजबूरी है और क्या अपनी सियासत के लिए उनके लिए यात्रा से दूरी बनाए रखना जरूरी है? आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। कई खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं ताकि आप समझ सकें कि यूपी में आकर ये विपक्षी एकता पर सवाल क्यों खड़े हुए हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से दिल्ली पहुंच चुकी है, लेकिन कांग्रेस की इस यात्रा में अब तक कोई विपक्षी नेता नजर नहीं आया। अब जबकि यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाली है तो सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या मायावती, अखिलेश और जयंत जैसे यूपी की सियासत के कद्दावर विपक्षी नेता राहुल गांधी की यात्रा में शिरकत करेंगे। खबर है कि कांग्रेस ने गैर बीजेपी दलों के कई नेताओं को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया है। इनमें शामिल हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, बीएसपी सुप्रीमो मायावती, आरएलडी के जयंत चौधरी, अपवाद के तौर पर यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को भी न्योता भेजा गया है, लेकिन उन्हें लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के तौर पर बुलाया गया है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी विधायक शिवपाल सिंह यादव, बीएसपी महासचिव सतीश मिश्रा, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के चीफ ओम प्रकाश राजभर को भी न्योता मिला है। हालांकि कल जब अखिलेश यादव से राहुल के न्योते के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इससे इनकार किया। राहुल जी ने न्योता दिया है आप लोगों को, जाएंगे तुम्हारे सामने खड़े के न्योता हो तो बता दो। भारत जोड़ो अपनी जगह है, आंदोलन हम उनके आह्वान से भावनात्मक हमारा जुड़ाव है जी जी, लेकिन हमें कोई इन्विटेशन नहीं मिला है। अगर आपकी जेब में इन्विटेशन हो तो हमें दिखा दो, अगर मिलता है तो फिर क्या करेंगे। मैं बोलूंगा, राहुल गांधी की यात्रा दिल्ली में विश्राम के बाद 3 जनवरी को गाजियाबाद के लोनी के रास्ते यूपी में प्रवेश करेगी। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रचार की अगुवाई करने वाली प्रियंका गांधी यात्रा के यूपी चरण में पूरे वक्त मौजूद रहेंगी। इसके बाद बागपत और शामली जिले के रास्ते हरियाणा की सीमा में दाखिल हो जाएगी। यहाँ के कार्यकर्ताओं ने कहा कि राहुल जी आप उत्तर प्रदेश छोड़ के नहीं जाएंगे, आपको यहाँ तो आना ही होगा, तो उन्होंने कहा कि चलो थोड़ा सा दिल्ली से हम डाइवर्ट करके उत्तर प्रदेश आएंगे, फिर हरियाणा चले जाएंगे। तो वो उत्तर प्रदेश में और गाजियाबाद में आ रहे हैं, इसके लिए आपको खुश होना चाहिए, खुशी इस बात की होना चाहिए। खबर है कि कांग्रेस ने ऐसी योजना बनाई है कि यात्रा के बचे हुए मार्ग में कहीं ना कहीं विपक्ष के नेता शामिल हैं। लेफ्ट नेता सीताराम येचुरी और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती को भी न्योते की खबर है। महबूबा ने ट्वीट कर कहा है कि वो यात्रा में शामिल होंगी, लेकिन येचुरी के मुताबिक उन्हें न्योता नहीं मिला है। यात्रा में उत्तर प्रदेश में शामिल होगी, जो निमंत्रण मिला है आपको? हमें नहीं मिला। साफ है कि कांग्रेस यात्रा के जरिए विपक्षी एकता दिखाना चाहती है, लेकिन अभी इस पर काफी काम होना बाकी है। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा कश्मीर में पूरी होगी। आज तक ब्यूरो। तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव भाटिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। आलोक शर्मा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, आपका भी स्वागत है। इसके अलावा घनश्याम तिवारी जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी का वो पक्ष रखेंगे, आपका स्वागत है। शांतनु गुप्ता जी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपका स्वागत है। और इसके अलावा स्वयं पुरोहित जी हमारे साथ हैं, टीएमसी के स्पोक्स पर्सन है, आपका भी स्वागत है। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन शुरुआत जो है वो आलोक जी मैं आपसे करूंगा। देश की सबसे पुरानी पार्टी एक लंबी भारत जोड़ो यात्रा पर निकली है, आप लोग के हिसाब से माने तो आप लोग को देश भर में समर्थन मिल रहा है, राहुल जी की छवि मजबूत हो रही है, लेकिन एक दूसरा पहलू इसका जब हम देखते हैं तो यह नजर आता है कि सबसे पुरानी पार्टी तमाम क्षेत्रीय दलों को न्योता दे रही है कि आप आइए, बड़ी लड़ाई में साथ लड़ेंगे, लेकिन कोई कह रहा है कि भाई हम बिजी बहुत हैं, कोई कह रहा है कि हम जाएंगे नहीं। तो ये जो स्थिति है ये क्या असहज करने वाली नहीं है, क्योंकि नंबर गेम में आपको जरूरत पड़ेगी? और ये भी कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता जो है वो लखनऊ होके निकलता है सर, और लखनऊ की स्थिति ये है कि वहां पर जो जितनी बड़ी पार्टियां हैं वो थोड़ा कन्नी काटते कम से कम नजर आ रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है।
देखिए, मुझे लगता है शुभांकर जी अभी 2024 में क्या होगा, कौन किसको समर्थन देगा, कौन किसको समर्थन नहीं देगा, उसका चर्चा का विषय नहीं है। डीएमके ने जिस समय पर तमिलनाडु से कन्याकुमारी से यात्रा शुरू हुई तो शुरुआत होने में ही डीएमके हमारे साथ थी। और एक कंसेप्ट और भी है, एनडीए वर्सेस यूपीए वाला। यूपीए के जो मैक्सिमम घटक दल हैं उन्होंने जहां पर भी हमारी यात्रा गई है उसका पूरी तरह से खुले दिल से समर्थन किया है, चाहे वो एनसीपी रही हो, चाहे वो हरियाणा में रहे हो, चाहे बाकी लोग रहे हो। बीएसपी के भी एक सांसद हमारी यात्रा में शामिल हुए दिल्ली में। तो ये विषय कहीं पर भी किसी भी रूप में 2024 से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। अगर उस एंगल से देखते हैं तो हम तो पूछना चाहते हैं, मोदी जी के साथ लगभग 48 पार्टियां थी 2014 में, आज कितनी बची हैं? आज इतने मतलब इतना उन्होंने देश का विकास किया, इतना वो तमाम यशस्वी हो गए और सब चीजें हो गई, और उसके बाद एनसीपी और अकाली दल जैसे पार्टियां उनको छोड़कर चली गई। मैं अभी अखिलेश भाई की अभी बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा भावनात्मक रूप से हमारा समर्थन है तमाम दलों ने। नहीं आलोक जी, आलोक जी, आप तो अच्छे से समझते हैं सर, अखिलेश जी का बयान तो सर वैसा था कि गुड़ खा के गुलगुले से परहेज कर देना कि समर्थन है, लेकिन राहुल जी को हम नेता नहीं मानते इसलिए जाएंगे नहीं, क्योंकि यूपी में आपका जनाधार नहीं है। एक तो ये वो भी मानते हैं। सवाल फिर ये कि आपने न्योता तो भेजा ना सर, बीजेपी की चर्चा हम करते अगर बीजेपी भेजती। आज कांग्रेस पार्टी ने न्योता भेजा, आरएलडी ने मना कर दिया, अखिलेश यादव शुरू में नाराज होते नजर आ रहे थे जो उनका बयान था, बाद में कहा भावनात्मक तौर पर समर्थन है, लेकिन वो उनकी अपनी भारत जोड़ो यात्रा है, उसमें अलग हिसाब किताब है, हो सकता है शायद भेज भी दे। मायावती जी भी नहीं आ रही है, तो बड़ी लड़ाई लड़ेंगे कैसे सर आप? देखिए, मायावती जी हो, आम आदमी पार्टी हो, ये लोग तो बीजेपी के इशारे पे काम करते हैं, उनकी चर्चा नहीं। लेकिन जहां तक अखिलेश जी, तो फिर आपने न्योता क्यों भेजा सर? मायावती जी की पार्टी को न्योता भेजा आपने? और हमें भी न्योता, एक मिनट सुनिए ना सर, अरे सुनिए ना सर, सुनिए ना सर, आप सुनिए तो सही। हमने तो लाइक माइंडेड पार्टीज को सबको आह्वान किया है। न्योता किसको भेजा किसको नहीं भेजा मेरे पास आधिकारिक सूचना नहीं, क्योंकि अभी अखिलेश जी ने कहा कि मेरे पास कोई इस तरह का पत्र नहीं आया है। अब आया है कि नहीं आया है वो तो बेहतर ही है, भेजने वाले और वो जो जिनको रिसीव होना है वो बता सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि भावनात्मक रूप से उन्होंने भी समर्थन दिया, भावनात्मक तौर पर समर्थन दिया है पूरी तरह से तमाम दल। अब आपका जो पूरी तरह से वो, एक मिनट शुभांकर जी, आपका जो टॉपिक है ना आज तक पे बड़ा अच्छा है कि किस तरह से जो विपक्ष है, विपक्ष क्या किसी तरह से डरा हुआ है, क्या मजबूरी है विपक्ष की, ये तो विपक्ष बेहतर बता सकता है। लेकिन हमारा जो मुद्दा है सीधा सीधा, वो सीधा ये है कि जो मुद्दे आज के हैं देश के सामने उसके लिए यात्रा है, ना 2024 के लिए है। हम तो कह रहे हैं कि आज भी बीजेपी के जो लोग चाहते हैं कि हाँ इस देश में पूरा इकोनॉमी का कबाड़ा इन्होंने किया है, वो लोग भी यात्रा में शामिल हों। सिविल सोसाइटी के लोग जो हमारे हमें पानी पी पी के कोसते थे, वो लोग भी यात्रा में आगे आगे चल रहे हैं। ठीक है, हमारा सबको आह्वान। ठीक है, मैंने आपको काफी समय दिया सर, काफी सुना भी मैंने आपको। गुजरात चुनावों के बाद कई नेताओं ने बयान दिया कि आम आदमी पार्टी और ओवैसी जी ने वोट ना काटे होते तो शायद हम जीत जाते। पॉलिटिक्स ऐसे ही चलती है नंबर गेम पर सर, और अगर नंबर गेम में आपको सबका साथ चाहिए और नहीं मिल रहा फिर सवाल तो आएंगे सर। लेकिन घनश्याम जी मैं आपके साथ हूं और गौरव जी मैं आपके पास आऊंगा। एक बार पहले घनश्याम जी स्टैंड क्लियर कर दीजिए कि न्योता गया है कि नहीं गया है, क्योंकि कांग्रेस कह रही गया है, अखिलेश जी मीडिया पर गुस्सा हो रहे थे कि अगर है तो अपनी जेब से दिखा दो। और दूसरा सवाल ये वैचारिक समर्थन क्या होता है सर? ये तो वही हो गया जो मैंने शुरू में कहा, गुड़ खाया गुलगुले से परहेज कर दिया। नमस्कार आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात कि भारत जोड़ो जो मुहिम है, एक तरीके से तो 2014 में ही शुरू हो गई थी, जब भारतीय जनता पार्टी ने भारत तोड़ो की मुहिम देश भर में हिंदू मुसलमान बहस प्रतिदिन शाम को करवा करके, प्रवक्ताओं को भेज करके, साध्वी प्रज्ञा जैसे लोगों को चाकूबाजी छुरीबाजी, और प्रधानमंत्री जी का कहना कि कपड़ों से किसी को पहचान सकते हैं। तो भारत तोड़ो की मुहिम भारतीय जनता पार्टी की शानदार है, सफल है, समाज में हर जगह नफरत बोने में ये लोग कामयाब रहे हैं। और ऐसे में हर कोई जो चाहता है कि देश में समरसता हो, विकास हो, वो चाहता है कि हमारा देश, हमारी सांस्कृतिक धरोहर एकजुट रहे, और इसीलिए भारत तोड़ो की मुहिम के खिलाफ भारत जोड़ो घर घर का अभियान है। ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा जो कांग्रेस पार्टी की अपनी यात्रा है, हम इसे किसी अलायंस बिल्डिंग के राजनीतिक मंच के रूप में नहीं देखते हैं। कांग्रेस पार्टी जब न्योता देगी, न्योता पहुंचेगा, उसके बारे में आधिकारिक रूप से सूचना मिल जाएगी। वो सूचना आपको मुझसे पहले मिलेगी, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से मिलेगी या हमारी तरफ से आधिकारिक रूप से मिलेगी। लेकिन इसको इस तरीके से देखना कि क्या ये चुनावी अभियान है, चुनाव तो अभी समाप्त हुए कुछ समय पहले, जहां पर बतौर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को खूब वोट मिले गुजरात में, लेकिन बतौर प्रधानमंत्री बाकी सभी राज्यों में वो हार गए, हिमाचल में हार गए, दिल्ली में हार गए। तो 2024 में अगर जिसको भी लगता है कि 2024 का क्या माजरा है, उसकी दो तस्वीरें हैं। 2023 में अनेक चुनाव हैं जो कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी के चुनाव हैं,
भारतीय जनता पार्टी को अगर अपनी ताकत दिखानी है 2024 के लिए उस चुनाव में दिखाए। और दूसरी बात यह, बतौर प्रधानमंत्री अगर देश बेरोजगारी को, महंगाई को मुद्दा मानेगा जो भारतीय जनता पार्टी के लिए अदृश्य है, अगर देश आपसी नफरत को मुद्दा मानेगा तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। और हम वो सब लोग हैं जो कि बेरोजगारी को मुद्दा मानते हैं, महंगाई को मुद्दा मानते हैं। और इस बात को गलत, आपने सारी बातें मुझे बता दी, मैंने आपको एक मिनट सुना लेकिन सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला। आपकी बात से मोटा मोटा मैंने यह समझा कि न्योता अब तक नहीं पहुंचा है, जो कहा जा रहा है अगर आएगा तो मीडिया में पता लग जाएगा। लेकिन सर एक सवाल फिर मन में आता है कि अगर राहुल जी कहते हैं कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं, और आप लोग खुद कह रहे हैं कि बीजेपी ने इतना ज्यादा देश की दुर्दशा कर दी है, तो आपको लगता नहीं कि अगर आप लोग साथ आते तो एक बड़ा मैसेज चला आता, आप लोग की दूरी से सवाल जवाब होंगे और इन सवालों के बीच में बीजेपी को मौका मिल जाएगा? तो ये मौका तो आप लोग ही दे रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि भारत को एकजुट रहना है, आप अपने दर्शकों से पोल करा लीजिए, कितने लोग चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी अपने नफरत के मिशन में सफल हो, और कितने लोग चाहते हैं कि ये देश में समरसता रहे, विकास की बात हो लेकिन समरसता। तो राहुल जी की अगुवाई में अगर ऐसा करने का मौका मिलेगा तो आप लोग साथ देंगे? सर जवाब ले लीजिए, एक से ऐसे टोकिए मत। तो राजनीतिक दल के से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है देश का नागरिक और देश का संविधान। देश का संविधान समरसता पे आधारित है और देश का नागरिक समरसता चाहता है, वो नहीं चाहता कि उनके बच्चे भारतीय जनता पार्टी के नफरत की मुहिम की भेंट चढ़ जाएं। तो इसीलिए मुझे लगता है, देखिए मैं आपको टोकना नहीं चाह रहा हूं सर, मैं आपसे सवाल कुछ और पूछ रहा हूं, आप जवाब कुछ और दे रहे सर, इसलिए मुझे वापस ट्रैक पे लाना पड़ रहा है। मैं कह रहा हूं जो बातें आप कह रहे हैं, जो दर्शक या जो एक वर्ग ये बात मानता होगा, क्या उसके लिए बेहतर नहीं होता आप भी चले आते? देखिए वहां सुप्रिया सुले जी गई, अब कई और नेता गए, आदित्य ठाकरे गए थे, आप लोग भी जाते, अखिलेश जी हाथ पकड़ के एक फोटो जाती, बढ़िया मैसेज चलाता जनता के बीच में। तो वो नहीं जा रहा है तो उसके लिए सवाल उठ रहे हैं सर कि क्या आप लोग को डर लग रहा है कि राहुल जी की शख्सियत बड़ी हो रही है भारत जोड़ो यात्रा से, इसका पॉलिटिकल नुकसान आप लोग को हो सकता है और अपने व्यक्तिगत हित के लिए आप लोग बड़ी लड़ाई से कतरा रहे हैं, ये आरोप लग रहे हैं? हर राजनीतिक दल अपने अभियान चलाता है उत्तर प्रदेश में, और देश में सबसे बड़ी लड़ाई है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आरक्षण को समाप्त करना चाहती है, ठीक है, उसके लिए हम संविधान यात्रा निकाल रहे हैं और हम किसी भी लड़ाई से नहीं पीछे हटे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में समाजवादी पार्टी को अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 3 करोड़ वोट मिले थे, ठीक है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह 18 मुख्यमंत्रियों का बक्सा और 20 मंत्रियों का बक्सा लेकर के चुनाव में नहीं जाते हैं, हम एक नेता के नेतृत्व में चुनाव में गए थे और 3 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता ने हमारी पार्टी को का समर्थन दिया। अब जो आरक्षण, आपकी अपनी जो रैली होगी उसमें आप कह रहे हैं कि हम जनता के बीच में जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, ये कांग्रेस पार्टी की अपनी रैली, ठीक है। गौरव भाटिया जी, आपने कांग्रेस को भी सुना, सपा को भी सुना, लेकिन एक बयान ये भी आता है कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा है इससे बीजेपी बहुत घबरा गई है, ये बीजेपी की विदाई यात्रा है, और आलम यह है कि अब तो राहुल जी की टी शर्ट पर भी चर्चाएं होती हैं, ठंड को लेकर बातें होती हैं, तो क्या वाकई में आप लोग घबरा गए हैं? शुभांकर जी, अब अगर आप और मीडिया और कुछ राजनीतिक दल जो पिटे हुए मोहरे हैं बार बार ये कहते रहे कि बीजेपी घबराई हुई है, तो वो घबरा नहीं जाती है। मैं याद दिलाना चाहूंगा, पहले सपा की बात कर ले, सपा को याद करना चाहिए कि अब की बार 400 पार, ये एक पोस्टर आया था और 400 छोड़िए 111 पे सिमट गई थी ये समाजवादी पार्टी। मैं आपको बताता हूं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी क्यों हर कोई भारत तोड़ो यात्रा से दूर रहना चाहता है आपको समझना होगा। देखिए ऐसा नहीं है कि ये कांग्रेस पार्टी और सपा एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ी। आप याद करिए, क्या ये सत्य नहीं है कि पिछला विधानसभा चुनाव 2017 में ये दोनों एक साथ आए थे? दो दगे हुए कारतूस अगर साथ आते हैं तो वो बम का गोला नहीं बनेंगे, वो पंचर साइकिल ही रहेगी जिसका हैंडल टूटा है, उस पर पंजा आया और ये लोग जनता ने नकार दिए। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, आप भारत तोड़ो यात्रा का अध्ययन करिए। भारत तोड़ो यात्रा आज का बयान है, निंदनीय है कि मणिशंकर अय्यर ने कहा कि हमारा भारत, प्यारा भारत, अखंड भारत, मजबूत भारत जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व को दिशा दे रहा है टूटा हुआ है। सरदार पटेल जी का अपमान नहीं है क्या ये कैसे टूटा है ये पूछा जाना चाहिए। दूसरी बात आप बताइए, चाटुकारिता की पराकाष्ठा कल देखी, भगवान राम से राहुल गांधी की तुलना कर दी, बाद में पलट गए। जॉर्ज पुनैया जो कहते हैं मैं चप्पल पहनता हूं क्योंकि अगर भारत माता की धरती से मेरा पैर छुआ तो वो गंदा हो जाएगा,
ये है भारत तोड़ो ठीक है आप कह रहे हैं भारत तोड़ो यात्रा है सर, लेकिन जो आप बाकी बातें कर रहे हैं, हमने यूपी में योगी आदित्यनाथ जी का मंदिर भी देखा और बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो नरेंद्र मोदी जी को अवतार बताते हैं या फिर फादर ऑफ इंडिया बता देते हैं। सर राजनेता में कई नेता होते हैं जो अपने नेता की चाटुकारिता जिसको आप कह रहे हैं उसको करते हैं। मैं आ रहा हूँ सर, एक सवाल मेरे मन में आपको लेकर है कि क्या राहुल जी की लोकप्रियता बढ़ी है? आप मत मेरी बात पूरी सर, मैंने आपको एक मिनट से ऊपर मेरी बात पहले पूरी हो जाए फिर आप आगे जाइएगा। दो लोगों का उत्तर देना है मुझे, मैं केवल आधा मिनट आपसे मांगता हूं, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए कृपया करके, धन्यवाद। मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा, देखिए आज एक बात और सिद्ध हो गई कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा इतनी मजबूत है कि अकेले चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे वो सपा हो चाहे टीएमसी हो, इनके बस का नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी से टक्कर ले सकें। और ये तस्वीर देखिए, इससे पहले भी ये चाइनीज झालर के फ्यूज बल्ब सारे साथ आए थे, ये बात अलग है, रोशनी नहीं आई क्योंकि बिल बैठे हैं जुगनू सारे, ऐलान ये है कि आओ सूरज को हटाया जाए। और इसमें अखिलेश यादव भी हैं, इसमें कांग्रेस पार्टी के नेता भी हैं और टीएमसी के भी नेता हैं। मैं ये तस्वीर इसलिए दिखा रहा हूं कि अपनी विचारधारा में दमखम नहीं, नेतृत्व आपके पास है नहीं। गौरव भाटिया जी, अब आपको समय मैंने दे दिया, लेकिन जो चाइनीज झालर आप बोल रहे हैं इसी चाइनीज झालर ने महाराष्ट्र में आपको हरा दिया था सर, बिहार में महागठबंधन मना आपको हरा दिया, तो आपके लिए तो अच्छी खबर है कि विपक्षी एकता नहीं हो रही है, क्योंकि जिस झालर को महागठबंधन ने आपको हराया नहीं हराया, बिहार में महाराष्ट्र में हराया नहीं हराया आपको, आप गलत बोल रहे हैं जी। बताइए महाराष्ट्र में, एक मिनट सुनिए शुभांकर जी, महाराष्ट्र में सुनिए महाराष्ट्र में प्री पोल अलायंस किसका था जरा बताएंगे? भारतीय जनता पार्टी और पुरानी शिवसेना का, और मेजोरिटी किसको मिली थी? हम ही को मिली थी। उसके बाद पलटू राम सोनिया सेना बन गए शिवसेना वाले, तो उसमें हमारी गलती नहीं है। जनादेश क्या था? चक्रा तो फॉर्मूला सर, हमने आप पर अपना दिया, आपको बता दे, वो कई राज्यों में आपका फॉर्मूला था जिसको कहते कि हमने आप पर अपना दिया, लेकिन ठीक है ठीक है आप ठीक है, आप सही बात कह रहे हैं, लेकिन बिहार में वो चीजें हुई थी और वो हमने देखी भी थी। लेकिन हमारे साथ टीएमसी से भी एक नेता है, उनके पास भी चलते हैं सर। आप तीसरे मोर्चे की बार बार बात होती है और दो, क्योंकि यहां पर अगर हम यूपी और एनडीए का आंकड़ा देखें तो फिलहाल यूपीए के पास 113 सीटें हैं, लेकिन ऐसी पार्टियां जो अलग अलग हैं उनके पास भी 101 सांसद हैं। आप लोगों को नहीं लगता कि अगर बड़ी लड़ाई लड़नी है पुरोहित जी तो फिर जी। एक छाते के नीचे आना पड़ेगा जैसे यूपीए 1 या यूपीए 2 था, और अगर नहीं आ रहे तो वहां से फिर बीजेपी से लड़ाई कैसे होगी, क्योंकि बीजेपी इंडिपेंडेंट भी अपने आप में 302 सांसद लेकर बैठी है जो उसके पास सफिशियंट है उस मैजिक नंबर को पाने के लिए जिस पर सरकार बन सकती है मौजूदा स्थिति में। आगे चुनाव भी होगा, वो उनके अपने एजेंडे होंगे, ताकत होगी, क्या होगा देखा जाएगा, लेकिन प्लानिंग के हिसाब से बात कर रहा हूं। देखिए प्लानिंग ऐसी है कि अभी आपने कुछ देर पहले कहा, अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे इन्होंने कहा था कि हमने टीएमसी को भी सबक सिखा दिया, तो इनको ये पता होना चाहिए पश्चिम बंगाल में माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में बंगाल के अंदर में बहुत अच्छी सरकार चल रही है। 2021 में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंका है, वामपंथी शासन को उखाड़ के फेंका है 33 साल की हमारी नेत्री ममता बनर्जी में। आपको देखना पड़ेगा कि 2024 का जो चुनाव है ये भारत की जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होने वाला है। ये तो अब कांग्रेस को सोचना है, कांग्रेस को भी सोचना चाहिए कि हमारे साथ में जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम वाली पार्टियां हैं उनके साथ बैठे। मगर चूंकि बंगाल में आप यात्रा कर रहे हैं, बंगाल में आपको सोचना पड़ेगा कि कांग्रेस की प्रासंगिकता कहां है, कांग्रेस की 2021 में कितनी सीटें आई है? 2021 में कांग्रेस जीरो है, जीरो सीट है पश्चिम बंगाल में। आप यहां पर यात्रा कर रहे हैं, आपको देखना पड़ेगा आपको कहां पे विरोध करना है कहां नहीं करना है। कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अगर ममता बनर्जी का विरोध करेगी और दिल्ली के अंदर में सोचेगी कि हम ममता बनर्जी को साथ लेके चलेंगे, ये दोहरा रवैया न तो कांग्रेस के लिए है न किसी भी पार्टी के लिए है। पश्चिम बंगाल की नेत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में 42 पुरोहित जी, इसमें एक एंगल भी आता है कि ममता जी की अपनी भी महत्वाकांक्षा है, वो चाहती है कि तीसरा मोर्चा जो है उसका नेतृत्व वो करे और उन्हें बड़ी जीत मिले, वो कांग्रेस के छाते के नीचे आने से बचना चाहती है। इस देश को नेतृत्व करने की क्षमता है ममता बनर्जी में, ममता बनर्जी में वो क्षमता है, और क्यों नहीं देश की बाकी पार्टियां उनको समर्थन करती है। देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो ये तानाशाही की सरकार है जिन्होंने देश के अंदर में इतनी मतलब सारे सब तरह से लोग परेशान हैं, चाहे महंगाई हो चाहे बेरोजगारी हो, इन मुद्दों पर बात नहीं होती है, हम रंगों में बटे हुए हैं। ममता बनर्जी देखिए, लेकिन राहुल जी भी तो सर वही बात कर रहे हैं ना,
मैं पूछ रहा हूं आपसे कि राहुल गांधी भी तो वही बात कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं नफरत के खिलाफ मोहब्बत बांट रहा हूं मैं, तो नफरत फिर... के खिलाफ मोहब्बत बांट रहे हैं। मेरी बात सुनिए, मेरी विचार, मेरे विचार बहुत अच्छे हैं, मगर धरातल पर मैं नहीं हूं। ये सोचना पड़ेगा ना, धरातल पर कौन है? हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, आपने ये महत्वपूर्ण बात कही, काम आप ये एग्जाम्पल आप दिखाइए, आप अपने नेताओं को नहीं संभाल पा रहे हैं, आपके जीते हुए एमएलए चले जाते हैं। मैं आपकी इस बात को नोट करके यही सवाल मैं शांतनु जी के पास ले जा रहा हूँ। शांतनु जी देखिए, एक बड़ी अच्छी बात यहां पर कही टीएमसी की तरफ से कि आपके विचार बहुत अच्छे हो सकते हैं लेकिन जमीन पर आपकी हैसियत जो है वो भी देखना जरूरी है। क्या यही वजह है कि विपक्षी दल के जो नेता हैं या जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो कांग्रेस के साथ उनके बड़े नेता मंच पर आने से बच रहे हैं, वैचारिक समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कांग्रेस से कुछ मिलेगा नहीं, अगर वो जाएंगे तो राहुल गांधी की शख्सियत मजबूत होगी, उनकी पॉलिटिकल पार्टी को भी बड़ा फायदा नहीं है, भले वो देश में समर्थन कर दे लेकिन अपने स्टेट में वो चाहते हैं कि हम मजबूत रहे, कांग्रेस को बैठे बिठाए जमीन ना दे। शुभांकर जी, मेरे ख्याल से टीएमसी के प्रवक्ता ने स्थिति बिल्कुल साफ कर दी है। 2014 और 2019 से हाशिए में आए अपोजिशन के सारे दल, 2024 में इस अपोजिशन के कैंप को लीड कौन करेगा, और अगर आसान शब्दों में कहें तो नरेंद्र मोदी के अंगेज में प्राइम मिनिस्टर का चेहरा कौन होगा अपोजिशन का, उसकी कवायद में रखे हैं। राहुल गांधी ने उसके लिए भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, प्रवक्ता बैठकर ममता बनर्जी को नेतृत्व दे रहे हैं, नीतीश कुमार ने तो एनडीए से ही पल्ला झाड़ लिया और तेजस्वी यादव की गोदी में चले गए जिससे वो कैंडिडेट बन सके, टीआरएस कह रही है हम अपनी पार्टी का नाम बीआरएस रख देंगे जिससे वो भारत की पार्टी बन सके, आम आदमी पार्टी कह रही है हम नेशनल पार्टी हो गए। तो यहाँ पे कवायद ये है, इनको प्रधानमंत्री का पद लेके कोई देश की सेवा नहीं करनी है, वो एक बड़ी लॉलीपॉप है सबके लिए कि भाई वो लॉलीपॉप किसके हाथ लगी, कौन विपक्ष की को लीड करेगा, कौन सी पार्टी, कौन सा चेहरा होगा, उसी के लिए सारी कवायद लग रही है। तो जहां उनको लग रहा है राहुल गांधी का थोड़ा ग्राफ बढ़ रहा है, हम पीछे हो जाए, हम क्यों उनके साथ जुड़े। तो मेरे ख्याल से यही कहा हुआ था कि कौन रुमाल डालेगा और कौन एक अम्ब्रेला बनेगा जिसके अंडर में सारे अपोजिशन दल आएंगे, उसी की कवायद लगी है। नहीं तो फिर ये भारत जोड़ो यात्रा जो है, क्या इससे अगर हम मतलब देखिए कांग्रेस पार्टी तो कहेगी देश की यात्रा, लेकिन क्या हम और आप इसे कह सकते हैं कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी को मजबूत करने की यात्रा है, राहुल गांधी को एक नए सिरे से रिलॉन्च करने की, एक मजबूत शख्सियत दिखाने की वाली यात्रा है? इसमें कोई शक ही नहीं शुभंकर जी, हमने राहुल गांधी को हर 2 महीने, हर 6 महीने, हर साल लॉन्च रिलॉन्च 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 होते देखा, उसी अनगिनत रिलॉन्च में एक और रिलॉन्च है इस बार। हाँ, एक बार उनको क्रेडिट देना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत कर रहे हैं वो, कम से कम सड़क पर निकले, लोगों से देख रहे हैं, कांग्रेस को मजबूती मिले मिले, कम से कम राहुल गांधी को भारत की थोड़ी समझ आ जाएगी। ठीक है, आलोक शर्मा जी देखिए यही बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपने टीएमसी को सुना, वो कह रहे कि आपकी जमीन पर उतनी पकड़ नहीं है। हाँ, इस यात्रा से आपको फायदा ये हुआ कि जो राहुल जी भी कहते हैं कि उनकी एक इमेज को डेंट कर दिया गया था, एक परसेप्शन बना दिया गया था वो, जिसमें बार बार पप्पू शब्द का इस्तेमाल होता था, उससे शायद आप लोग हट चुके हैं, अब उन्हें लोग गंभीरता से सुन रहे हैं, उनके वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, देख रहे हैं, बातें हो रही है, लेकिन इससे ऊपर कुछ नहीं है, ये सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर एक पॉलिटिकल पार्टी को मजबूत करने की यात्रा है, जहां जहां आपको मौका लग रहा है वहां कर रहे हैं, और इसीलिए बाकी पॉलिटिकल पार्टियां आपसे दूरी बना रही है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि माने राहुल गांधी जी की और कांग्रेस की छवि को खराब करने के लिए भाजपा ने, आरएसएस ने सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च किया और मीडिया के साथियों को भी, उसमें बहुत से मीडिया के साथियों को भी शामिल किया। स्वाभाविक है कि जब जिस तरह का माहौल है आज, सब डरे हुए हैं, तो मीडिया भी के भी बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, तो उस ट्रैक पर चले। अब मैं आता हूं टीएमसी के, हमारे भाई हैं, मैं बड़ा सम्मान करता हूं उनका, लेकिन उनको शायद ये नहीं पता है कि हम 2011-12 में इकट्ठे ही लड़े थे और तब 42 सीट आई थी, और पहली बार जब ममता जी मुख्यमंत्री बनी थी तो कांग्रेस साथ थी और कांग्रेस की वजह से ही वहां पर बनी थी, उसके बाद में जो भी हुआ वो एक अलग बात है। और उसके बाद में बीजेपी के प्रवक्ता महोदय हैं, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कौन सी झालर और चाइनीज झालर, हम तो पूछना चाहते हैं 2014 में आपके साथ 48 पार्टियां थी, आज कितनी पार्टियां बची हैं? ये ओपी राजभर और तमाम लोग आप ही के साथ थे, आपने तो सपा के साथ मिलकर भी सरकार बनाई है, आपने तो बसपा के साथ मिलकर भी सरकार बनाई है, आपने पीडीपी के साथ भी मिलकर सरकार बनाई है, आपने एनसीपी के साथ भी बनाई है, आपने एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी मिलकर बनाई है, शिवसेना के साथ भी, अकाली के साथ भी, लेकिन आज दुर्भाग्य ये है कि वो चाइनीज झालर शायद आपकी थी जो पूरी तरह से बिखर गई। नहीं तो आलोक शर्मा जी, फायदा क्या हुआ इससे? आज वास्तव में इस भारत जोड़ो यात्रा से आपको बड़े पैमाने पर क्या फायदा हो रहा है वो समझना चाह रहे हैं हम सर, क्योंकि यहाँ पर शांतनु जी ने समझा दिया कि केजरीवाल जी की महत्वाकांक्षाएं, नीतीश जी की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, यूपी में अखिलेश जी की महत्वाकांक्षाएं हैं, तो बड़े राज्यों की तो स्थिति साफ है सर। हो सकते हैं, मैं फिर कहूंगा सबकी महत्वाकांक्षाएं हो सकती, लोकतंत्र में सभी की महत्वाकांक्षाओं का सम्मान किया जाना चाहिए और कांग्रेस पार्टी करती है, लेकिन शायद स्वयं पुरोहित साहब को गोवा का अपना वोट परसेंटेज नहीं पता हो, मतलब कांग्रेस तो जो है वो कुछ भी नहीं है और टीएमसी जो है वो पूरे सब जगह है, गजब है भाई, मतलब आप लोगों की व्याख्या समझ नहीं आ रही है।
यात्रा को देख कर, आप तो सबसे पुरानी पार्टी है, अरे कोई बात आपने नहीं, जितने गोवा में जीत कितने करके हैं आए कितने नहीं, आपके आपके 25 विधायक है, सरकार आपकी है। अब मैं आता हूँ वापस, अरे सुनिए ना भाई स्वयं भाई, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, ठीक है, मुकाबला क्यों हो रहे हैं आप, सुनिए तो सही जरा, अरे सुनिए ना भाई मेरी बात, आप गलत, अरे सुनिए ना भाई, मैं तो कुछ भी उठपटांग नहीं बोल रहा हूँ, की सही है कि विपक्ष की आपस में लड़ाई हो रही है, स्वयं पुरोहित जी और ठीक है, स्वयं पुरोहित जी मैं आपके पास आऊंगा, गौरव भाटिया मैं आपके पास से बढ़ा रहा हूँ, पूरे देश आलोक जी और स्वयं पुरोहित जी आप इस चीज थोड़ा सा रख लीजिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास, किसी का चुनाव हो उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, गौरव भाटिया जी आप पीएम यात्रा की शुरुआत में कहा गया कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए, लेकिन यहाँ स्टूडियो में नजर आ रहा है कि विपक्ष आपस में लड़ाई लड़ रहा है, अब ऐसे में क्या बीजेपी के लिए गुंजाइशें बढ़ जाती हैं? आलोक जी और स्वयं पुरोहित जी मैं आप दोनों से गुजारिश करूंगा, कार्यक्रम का नाम केवल हल्ला बोल है, इस कार्यक्रम का नाम केवल हल्ला बोल है सर, यहाँ हल्ला नहीं करेंगे, दर्शक का समय बहुत जरूरी है, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे मेहमान है, और एक और बात सर आलोक जी, वो होंगे कोई दूसरे लोग जो डरते होंगे, हम आज तक वाले हम सबसे सवाल पूछते हैं, नाराज हो चाहे जो हो सम्मान पूरा देते हैं, लेकिन सवाल सारे पूछते हैं जो जनता की बात होती है, गौरव भाटिया जी शंकर जी मैंने आपका नहीं, नाम मैं आप अपने ऊपर क्यों, मैं अपने ऊपर जा ही नहीं रहा सर, मैं मीडिया की बात करते हुए कह रहा हूँ कि जहां पर आप बैठे हैं संस्थान से सारे सवाल पूछे जाते हैं और बड़ी बेबाकी से पूछे जाते हैं, कोई भी राजनीतिक दल में स्टैंड करता, गौरव भाटिया जी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात हुई, लेकिन यहाँ पर आपस में टीएमसी वर्सेस कांग्रेस हमने देखा, क्या ये गुंजाइशें आपके लिए बना देती है, क्योंकि जितनी विपक्ष में लड़ाई होगी उतनी गुंजाइशें आपके लिए बनती हैं, और उतने ज्यादा कहते हैं कि बीजेपी के जो मुसले होते हैं न्यूट्रल है बीजेपी से, 2014 में कितनी पार्टियां थी और आज कितनी, ये शांत कराइए चिल्लाए नहीं, शुभंकर जी सवाल ये भी पूछ, एक सवाल और भी पूछ रहे हैं, मैं वो भी ऐड कर दूंगा, ठीक है आलोक जी मैं ऐड कर दूंगा, एक बार गौरव जवाब दे दे पहले एक सवाल का, हाँ ऐड कर दीजिए थोड़ा सा, मैं कर दूंगा, सोच रहा था शायद अपने आप ही कर लेंगे, शुभंकर जी ऐसा है, कितनी पार्टियां थी कितनी हैं, मैं एक उत्तर दे देता हूं, अगर समझ पाएंगे तो समझ जाएंगे, 2014 में हमारी सीटें आई 282, 2019 में 303, पता नहीं बड़ी की घटी है इनको पता नहीं, हाँ कौन जुड़ रहा है पार्टियों के संदर्भ में सबका सम्मान है, लेकिन आप जोड़िए, अभी तो आपकी हालत पतली बताई जाती है, जब से भारत तोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई है आपके एमएलए गोवा में कांग्रेस छोड़ के चले गए, गुलाम नबी आजाद चले गए, आप सिकुड़ते जा रहे हैं, एक दिन माइक्रोस्कोप से ढूंढा जाएगा आपकी पार्टी को, तब भी दिखाई नहीं देंगे, और उत्तर प्रदेश की क्योंकि बात हो रही है शुभंकर जी, आप आपको एक बात बताना चाहता हूँ, क्या ये सत्य नहीं है, कमजोर हो गए उत्तर प्रदेश 2014 के बाद आप 25 चुनाव हारे हैं राज्यों में, देखिए हारे के नहीं, आलोक जी एक बार सुन लीजिए, आलोक जी अगर मैं आप ही को मौका दूंगा, बीच में आलोक जी उसके बाद आप ही बोलेंगे, वही पैमाना क्या उनके बीच में कोई बोला था, आलोक जी एक बार सुन लेते हैं सर जी, गौरव जी शांत कराइए, अच्छा नहीं लगता, मैं समझता हूँ दर्शक जब देखते हैं तो वो सोचते हैं कि किस स्तर पे चाटुकारिता करने आते हैं, अपनी बारी में तो बोलते ही हैं, जब हम लोग बोलते हैं तो भी बीच में कूद पड़ते हैं, लेकिन आपने इस चर्चा में देखा आप पूछ रहे हैं चाटुकारिता किसी की नहीं करता, अरे ये कपड़े गौरव जी देखिए, गौरव जी अगर आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जो प्रवोक करने वाले सर हैं तो फिर सर हल्ला बोल में खाली हल्ला होगा, सवाल छिप जाएगा, नहीं गौरव जी एक घंटे से कर रहे हैं, फिर आज तक वाले कह रहे हैं हम न्यूट्रल चैनल, गौरव जी सवाल फिर वही है कि अगर आपके साथ जो राजनीतिक दल थे वो धीरे धीरे निकल गए, हम न्यूट्रल हैं, मैं गजब है भाई आलोक जी, अब हर बार मुझे अपने आप को साबित नहीं करना है सर, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, समय जाए ना, टीएमसी वाले आपने प्रवक्ता को रोका था शुभंकर जी, मैं सबको रोक रहा हूँ सर, आपने आप लोगों से गुजारिश कर सकता हूँ, आप लोग अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के हैं, आप सभी लोगों गौरव जी को आप लोगों की अपनी भी समझ है सर, एक घंटे के हर राजनीतिक पार्टी का अपना एक चरित्र है, अपनी समझ है सर, सवाल बीजेपी से नहीं पूछा गया, हर राजनीतिक सारे लोग छोड़कर भाग गए, पूरी करना चाहता हूं आलोक जी, जब भारत जोड़ो यात्रा को लेकर चर्चा नहीं तब भी शिकायत आप लोग करते हैं, चर्चा आपको लेकर इसलिए सवाल ज्यादा आपके इर्द गिर्द है, अगर बीजेपी का कल का टॉपिक था ओबीसी समाज को लेकर कल हमने सारे सवाल उनसे पूछे थे, टॉपिक देखकर भी सर सवाल डिसाइड होते, आपको लेकर चर्चा हो रही है, आपके बारे में बात हो रही है, गौरव जी सवाल फिर वही है, आपका साथ भी लोगों ने छोड़ा, धन्यवाद जी, शुभंकर जी देखिए बिल्कुल आप जो कह रहे हैं मैंने उसी बात का उत्तर दिया कि हमारा साथ कुछ साथियों ने छोड़ा, लेकिन अपनी विचारधारा से हमने समझौता कभी नहीं किया,
और जनता ने मोहर लगाई हमारी विचारधारा और नेतृत्व पे और 282 से 303 हमें कर दिया। ये आपके प्रश्न का उत्तर था। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में जब हमने अकेले लड़ाई लड़के दिखाया किस तरह से हमारा क्या बहुमत पार्टी भारतीय जनता पार्टी का नहीं आया, और भी दल हमारे साथ थे लेकिन हम अपने आप में इतने सशक्त थे, मजबूत थे कि हमारा बहुमत आया, ये हमारी ताकत दर्शाता है। लेकिन एक बात आज जरूर कहूंगा, देखिए ये वो लोग हैं जो टूटे हुए हैं, जिनकी कोई विचारधारा नहीं, और इनके लिए कांग्रेस पार्टी के लिए इनके ही साथी जिनको ये साथ लाना चाहते हैं क्या कहते हैं मैं बता दूं। एनसीपी शरद पवार ने कहा राहुल गांधी अपरिपक्व हैं, कांग्रेस की हवेली जरूर थी लेकिन आज वो चरमराई हुई है, खंडर बन गया है, लेकिन वो इस बात को मानना नहीं चाहते हैं। ममता बनर्जी राहुल गांधी एक बच्चा है। एक सवाल मेरे, मुझे आपको लेकर आ रहा है और इस सवाल का जवाब दे दीजिए, आप पर ये आरोप लगता है कि अगर भारत जोड़ो यात्रा इतनी बेअसर है तो फिर आप पर ये आरोप क्यों लग रहा है कि आप लोगों ने कोरोना तक को हथियार बना लिया? 50 साल कांग्रेस पार्टी तो यहां तक कह रही कई नेता कि आप लोगों ने कोरोना को भी हथियार बना लिया, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के बाद ये भी हथियार बना लिया क्योंकि इस यात्रा की जो प्रचार था उससे घबरा गए थे, ये भी आरोप आप पर लग रहे हैं। चलिए शुभांकर जी, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं इस यात्रा को शुरू हुए 100 दिन से ऊपर हो गए हैं, अगर हथियार बनाना होता तो ये 100 दिन तक कैसे चली? भाजपा शासित राज्यों से भी निकली ना शुभांकर जी, वहां पे तो कोई दिक्कत आई नहीं। लेकिन एक बात समझिए, कोविड जो है वो पार्टी और धर्म और जात देख के या भाषा देख के आक्रमण नहीं करेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि हम बचाएं अपने नागरिकों को, ये जिम्मेदारी तो कांग्रेस पार्टी की भी होनी चाहिए। अगर इस जिम्मेदारी को वो नहीं समझते तो ये इनका हल्कापन है, जनता देख रही है। कहते कि बीजेपी के नेताओं के कार्यक्रम में नहीं दिखाई पड़ता, कांग्रेस की रैली में दिख जाता है, ये आरोप आता है कि बीजेपी के नेता कार्यक्रम करते वहां नहीं दिखता कोविड, दूसरे वाले में दिख जाता है क्योंकि वो रैली उससे घबरा गए। लेकिन ठीक है, टीएमसी के पास हम चलते हैं। देखिए बार बार आलोक वर्मा जी शर्मा जी ये कह रहे हैं कि देखिए आप लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो कमजोर कर रही है। उन्होंने बड़ा दिल दिखाया यूपी में, जम्मू में महबूब मुफ्ती तक को न्योता दिया। फिर सवाल वही है, बीजेपी के खिलाफ लड़ना है तो क्या साथ नहीं आना होगा और क्या महत्वाकांक्षा आपकी 2024 चुनाव नहीं गवा देगी? देखिए इसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। नंबर वन मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस पार्टी जो ये भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में चला रही है, उनको सोचना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि 2011 का चुनाव टीएमसी और कांग्रेस ने मिलकर बंगाल में लड़ा 184 सीटें ममता बनर्जी हमारी तृणमूल कांग्रेस को मिली। 2016 में क्या हुआ, 2021 में क्या हुआ, वही कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी को हराने के लिए सीपीएम के साथ हाथ मिला रही है। ये सत्ता लोभ के लिए, अगर आप सत्ता हथियाने के लिए सिर्फ राजनीति करेंगे तो ये देश में नहीं चलेगा। आपको सही और गलत, सही और कांग्रेस ने आज तृणमूल कांग्रेस ने हर मुद्दे पे, जो भी मुद्दा गलत था केंद्र सरकार का, उन सब मुद्दों पर जोरदार आवाज उठाई है ममता बनर्जी ने, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो मिसमैनेजमेंट ऑफ कोरोना हो। ये लोग सब इसी रूम में बैठे थे, आपस में लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, आपस में लड़ रहे हैं। घनश्याम तिवारी जी, आप घनश्याम तिवारी जी, बैठना पड़ेगा क्या कांग्रेस पार्टी की यूपी में अहमियत को देखते हुए या पुराने चुनाव में सबक को मिले देखते हुए ये दूरियां बनाई जा रही है? क्योंकि साफ साफ नजर आ रहा है कि आप लोग मंच साझा नहीं करना चाह रहे। और अखिलेश जी का मुझे स्टेटमेंट भी याद है कि ज्यादा सीटें हमने कांग्रेस को दी थी, उनसे वोट नहीं मिला हमें जब चुनाव आप लोग हारे थे, तो क्या वही सबक है जो ये दूरियां बन रही है? ये दो बातें हैं, एक तो जो गौरव भाटिया जी ने कहा कि ये सब जुगनू मिलकर के सूरज को से मुकाबला कर रहे हैं, तो इन्हें शायद ज्ञात ना हो कि जुगनू चमकते हैं जब सूरज का अस्त हो जाता है, अंधियारा होता है, और ये अंधकार इन्होंने ही देश में फैलाया है, महंगाई का, बेरोजगारी का, नफरत का। तो गौरव जी को दो टुक उस बात पे जरूर कहूंगा, जुगनू ही दीवाने निकले, अंधियारा झुटलाने निकले, आहों का अंदाज नया था लेकिन जख्म पुराने निकले, जिनको पकड़ा था हाथ समझकर वो केवल दस्ताने निकले। ये विज्ञान व्रत की कविता है और भारतीय जनता पार्टी का हाथ जिसने पकड़ा है वो सिर्फ दस्ताने निकले। अब आपके सवाल पे आता हूं, 2017 के बाद 2022 का चुनाव हुआ है जिसमें समाजवादी पार्टी को अखिलेश जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की जनता ने 3 करोड़ वोट दिए, भारतीय जनता पार्टी इनके 18-20 एक भानुमति के पिटारे में बंद मुख्यमंत्री, तमाम मंत्री, तमाम हजारों करोड़ को खर्च करके भी ये केवल 3 करोड़ 80 लाख वोट बटोर पाए। तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत है। अरे सर, सवाल ये है कि राहुल जी को नेता मानेंगे नहीं मानेंगे? अगर 24 में लोकसभा चुनाव होगा, आप तो क्षेत्रीय पार्टी हैं,
देखिए वो सबसे पुरानी पार्टी है, अगर राहुल जी की अगुवाई में बीजेपी से लड़ाई होगी तो क्या अखिलेश जी नेता मानेंगे राहुल जी को? सीधा सवाल है। राजनीति अगर मगर पे नहीं होती, राजनीति होती है जब जनता आपके साथ खड़ी ठीक है, और राजनीति संकेतों में भी होती है सर, और संकेत आपसे मुझे मिल रहे हैं। बात पूरी कर दीजिए आज जिस तरीके से जनता को के सामने साबित हो गया, भारतीय जनता पार्टी जैसे हर चीज में धोखेबाजी करती है, आरक्षण में भी धोखेबाजी कर रही है। मेरे सवाल का जवाब मिल गया सर। शांतनु गुप्ता जी, समय कम है, घनश्याम जी मैं आपके पास आता, समय कम मेरे पास है। शांतनु गुप्ता जी, राजनीति संकेतों में भी होती है, अगर मगर में नहीं होती है, और इस चर्चा में बैठकर कई सारे संकेत संदेश मुझे मिल रहे हैं, जितना मैं समझ पा रहा हूं ये कि सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं, बीजेपी से लड़ना है, बीजेपी को कोसना है, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षाओं को पीछे नहीं रखना है, और ये नजर आ रहा है। आप कैसे एनालिसिस कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा का, और यहां जो दो विपक्षी दल बैठे हैं उनकी बातों का? जी बिल्कुल साफ है, और आपकी डिबेट में बिल्कुल साफ हो गया है, जैसे टीएमसी और कांग्रेस का जो झगड़ा हमें पता लगता था, आपकी डिबेट में बिल्कुल मुखर रूप के आ गया है। तो विपक्ष के जो बड़े दल हैं वो आपस में साथ नहीं आना चाहते, और देखता है कौन इसको लीड करेगा। ये कहना कि न्योता नहीं मिला, अगर राहुल गांधी को और अखिलेश यादव को बुलाना होगा तो फोन करके बुला लेंगे, वो न्योते का इंतजार नहीं करेंगे। और यहाँ पे हर आदमी विक्टिम कार्ड खेल रहा है, कोई कह रहा है मीडिया खराब है, हमारे अगेंस्ट में, ये विक्टिम कार्ड खेल रहा है, कोई जनता को मूर्ख कह रहा है, कह रहा है जनता केवल नफरत पे वोट दे रही है। तो मेरे ख्याल से जनता को मूर्ख समझना, मीडिया को मूर्ख और बायस समझना छोड़ दें, अपनी पार्टी और अपने नेताओं पे काम करें। जी आलोक जी, क्या लेकर जाएंगे भारत जोड़ो यात्रा से? उत्तर प्रदेश में आ रहे हो, शुरुआत जहां से मैंने की थी, फिर वहीं मैं घुमा कर ला रहा हूं। लखनऊ से रास्ता निकलता है दिल्ली का, लखनऊ में लग रहा है दाल नहीं गल रही है, अकेले जाएंगे क्या? जनता का दिल जीते काम चल जाएगा या नेता को पकड़ना पड़ेगा? देखिए अभी मैंने कहा कि 2024 के लिए यूपी और एनडीए है, और हमारा यूपीए मजबूत है। 2009 में भी जो बाहरी लोग थे, चाहे वो बसपा थी चाहे सपा थी, उन्होंने समर्थन दिया, और यूपीए 2 के अंदर ममता जी और तमाम लोग शासन में भी आए हमारे साथ। ममता जी तो बीजेपी के साथ भी केंद्र सरकार में रही, हमारे साथ भी रही। आज स्वयं पुरोहित जी को पता नहीं कहां कहां से कौन कौन सी चीजें समझ आ रही है, मुझे नहीं पता है, लेकिन ममता जी दोनों के साथ रही। और भारतीय जनता पार्टी अपने घर को देखे कि कितने लोग हैं, जिन जिन लोगों को, जिन जिन दलों को गालियां दी, मोदी साहब ने जिस तरह से जम्मू कश्मीर में पीडीपी को गालियां दी, पूरी तरह से बाप बेटी और पता नहीं क्या क्या कहा, उन्हीं के साथ सरकार बनाई, नेशनल कॉन्फ्रेंस के से आरएसएस के टाइम से 50 साल तक लड़ते रहे, अटल जी पहली बार प्रधानमंत्री बने, बाप बेटे दोनों केंद्र में। चलिए शुभंकर जी, मैं उत्तर देना चाहूंगा, मैं आ रहा हूं गौरव जी, आ रहा हूं। जहां तक अलायंस की बात है, आलोक जी देखिए, आपने महबूबा जी का नाम ले लिया तो एक सवाल मेरे मन में आ गया है, महबूबा जी ने बधाई दी आप लोग को, लेकिन जनता ये पूछ रही है क्या भारत का झंडा उठा के समर्थन में आएंगी, क्योंकि 370 हटने को लेकर उनका एक स्टेटमेंट आया था, आज उन्होंने आपको बधाई दी, ट्वीट किया राहुल जी को लेकर कि मैं बहुत खुश हूं और सल्यूट करती हूं, बहादुरी की बात है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में भारत का झंडा लेकर उतरेंगी, क्योंकि उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया था 370 के बाद। शुभंकर जी, जिस समय उन्होंने कहा था, एक मिनट सुनिए ना, जिस समय उन्होंने कहा था कि भारत का झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, बीजेपी ने समर्थन वापस नहीं लिया था, सरकार चलाते रहे थे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में तीसरा पॉइंट था कि 370 के बाद का वाक्य है सर, उसके आसपास का है, दोगले लोगों से हमारी तुलना ना करें। ठीक है गौरव जी, इनको कुछ गौरव जी बोल जाते हैं, इसका रिप्लाई आप दीजिए, भारत जोड़ो से आप क्या लेकर जाएंगे? गौरव जी स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूँ, भारत जोड़ो से। ठीक है आलोक जी, जवाब लेते हैं, आप जो कह रहे हैं, आपने जो कोट किया है बीजेपी को लेकर की इस स्टेटमेंट के साथ बीजेपी ने सरकार चलाई, गौरव जी। शुभंकर जी देखिए, मैं आज जान गया कांग्रेस पार्टी को कोई समर्थन क्यों नहीं देता है। आपने देखा किस तरह से झूठ बोल देते हैं। महबूबा मुफ्ती का बयान था कि अगर अनुच्छेद 370 को हटाया तो तिरंगे को कांधा देने वाला कोई नहीं होगा, सरकार गिर चुकी थी। यहां पे इन्होंने बोला उनके साथ थी, इनको कुछ अता पता ही नहीं है, नहीं गिरी, क्रेडिबिलिटी नाम की चीज ही नहीं बोलिए। और मैं इतना ही उसके भी, उसके भी 8-9 महीने बाद तक सरकार चली आप लोगों की, शांत करें, चिल्लाए नहीं, हर बार ये नहीं हो सकता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता बीबी का बोलते हैं। गौरव जी वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने बयान के 7-8 महीने बाद तक सरकार चलाई। आलोक जी वो जवाब लेते सर, आलोक जी सरकार कब तक चली है? आलोक जी आपके सवाल पूछ रहा हूं, ठीक है जवाब लेते हैं। गौरव जी वो कह रहे हैं कि 8-9 महीने इस बयान के बाद भी सरकार चलाई आप लोगों ने। मत शुभंकर जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, जो मर्जी झूठ बोल के चले जाते, कोई फायदा नहीं है। अभी अभी जो है, मैं तो कह रहा हूं ना, आज तक से अभी निकालिए, राहुल गांधी ऐसे नेता हैं जिन्होंने झूठ बोला,
शांत कराइए। आलोक जी एक बार सुन लेते, आलोक जी कोई आलोक जी आलोक जी ठीक है, हमारा स्तर भी नहीं है, आप जवाब सुन लीजिए एक बार, उनको बोलने का मौका दीजिए, माफी मांगी है, झूठ बोली आपने, आप उनको बोलने का मौका दीजिए, वो गलत बोल रहे हैं, आप दोबारा कोट कर दीजिए, मैं मौका दूंगा आपको। मैं गौरव जी बात पूरी कीजिए। देखिए क्योंकि इन्होंने कहा झूठ पे, तो राहुल गांधी से बड़ा झूठा कोई नहीं जिसने रफेल पे झूठ बोला और सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा देके कान पकड़ के माफी मांगी, तो झूठों का सवाल राहुल गांधी जो आपका झूठ पकड़ी गई तो दूसरों के चुप करिए, माफी मांगी है, अब शांत कराइए शुभांकर जी, मैं पहले माफी मांगी है, झूठ बोली आपने अभी, अरे राहुल गांधी ने माफी मांगी थी, माफी भी राहुल गांधी है, नहीं गौरव जी वो तिरंगे वाले बयान पर कह रहे हैं कि महबूबा जी के बयान के बाद आप लोगों ने 7-8 महीने सरकार चलाई थी, जब उन्होंने कहा था 370 हटा तो कोई तिरंगा थामेगा नहीं, वो कह रहे हैं जी। सुनिए शुभांकर जी, अब मैं आपको एक बात बताता हूं, मर्यादा ये होती है कि अपनी बारी का इंतजार किया जाए, आप लिखिए कि किन बिंदुओं पे दूसरे वक्ता ने बोला है, उसके बाद उत्तर दीजिए। ऐसी गुंडागर्दी, ऐसी ओछी हरकतें कांग्रेस पार्टी में होती होंगी कि बीच में चिल्लाने लगो, हर बार गलत होते हैं। अब मैं अपनी बात कह लूं, मुझे केवल एक मिनट का समय दे दीजिए, मैं सबसे पहले यह कहना चाहता हूं, देखिए उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, क्या यह सत्य नहीं है, सलमान खुर्शीद अभी बयान दे रहे थे आपके चैनल पर ही, कह रहे थे राहुल गांधी तो हरियाणा से जाना चाह रहे थे, वो तो दूसरे प्रदेशों में जा रहे थे, हमने कहा यूपी से भी होते आओ, 80 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, 2 दिन बिता रहे हैं वहां पे, राहुल गांधी का बयान है, कहते हैं उत्तर भारतीय जो होते हैं उनको बहुत ही सही जानकारी होती है और जो दक्षिण भारतीय हैं वो लोग समझदार लोग होते हैं, और तीसरी बात सोनिया गांधी रायबरेली पिछले 3.5 साल में कितनी बार गई है, कोविड के संकट में भी नहीं गए, गांधी परिवार का हिसाब जनता करेगी, चाहे भारत की हो चाहे उत्तर प्रदेश की हो, टीवी चैनल पे बैठ के चुनाव नहीं जीते जाते। आपने सारी बातों का जिक्र समराइज कर दिया, मैंने सवाल स्पेसिफिक पूछा था कि क्या वो सही था क्या वो गलत था, जनता लगातार देख रही है, हमारी कोशिश समझने की थी कि विपक्ष अगर वैचारिक तौर पर समर्थन दे रहा है तो फिर जमीन पर साथ उतर कर हाथ पकड़ने में साथ चलने में तस्वीर खिंचवाने में परहेज क्यों हो रहा है। उम्मीद है इस चर्चा में आपको उस सवाल का जवाब समझ में आया होगा कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं इसके आड़े आ रही हैं।